तो वहीं कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को 53 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में पार्टी के वरिष्ठ नेता मोतीलाल बोरा के बेटे अरुण बोरा का नाम भी शामिल है। उन्हें दुर्ग शहर से उम्मीदवार बनाया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट जारी करने के साथ कांग्रेस पार्टी अब तक 90 विधानसभा सीटों में से 83 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस ने रायपुर शहर पश्चिम विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक विकास उपाध्याय, रायपुर ग्रामीण से पंकज शर्मा और रायपुर शहर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से महंत राम सुंदर दास को उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस ने रविवार को 30 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी। छत्तीसगढ़ की 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए दो चरणों में 7 और 17 नवंबर को मतदान होगा। वोटों की गिनती पर और चुनावी राज्यों के साथ 3 दिसंबर को होगी।